दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आखिरी मौका मिल गया है स्पॉट एडमिशंस का। आखिरी मौका इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सारे राउंड्स होते हैं काउंसलिंग का, फिर भी सीटें बची रह जाती है, तो उस बची हुई सीट को दिया जाता है स्पॉट एडमिशन में। स्पॉट एडमिशन का दूसरा नाम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी या मॉपअप राउंड। तो एक ही चीज है, यानी खाली सीटें का नाम तीन है, स्पॉट एडमिशन, मॉपअप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी। इसका फॉर्म आ गया है दोस्तों, आखिरी मौका है, ये मौका मत गवाइएगा नहीं तो एक साल बर्बाद होगा। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर फटाफट ले चलता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नोटिसेज एंड अपडेट्स में आपको एक रिसेंट नोटिस मिलेगा, शेड्यूल फॉर मॉपअप राउंड्स फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। बहुत सारे कोर्सेज में सीटें खाली है, इंक्लूडिंग क्लास 11th में। तो दोस्तों कितनी खुशी की बात है कि अभी भी सीटें खाली है, अभी भी एडमिशन का मौका है, तो इस मौका को मत गवाइएगा। चलिए नोटिस फटाफट देख लेते हैं। नोटिस पर देखेंगे तो देखिए क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ, बी ए ऑनर्स, बी टेक, बी एल एल बी, एम बी ए, लाइब्रेरी साइंस, बी एड, एम एस डब्ल्यू, बी एस सी नर्सिंग, ब्रिज कोर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बी ए ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज में सीटें बची हुई है। अब ये जो मॉपअप राउंड्स है ये भी इसका तीन राउंड्स चलेगा। पहला राउंड 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, दूसरा 19 अगस्त से, तीसरा 21 अगस्त से। आपको करना क्या होगा, आपको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से आपकी एक फॉर्म लिस्ट तैयार होगी, उस लिस्ट में आपको पेमेंट करने के बाद सीट को ब्लॉक करना होगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं आपका सीट ब्लॉक नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने आपका राउंड वन में हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपकी जो बची हुई सीट है फिर किसी और को दी जाएगी, फिर आपको पार्टिसिपेट अगले में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आखिरी राउंड चल रहा है। तो आखिरी राउंड में आप बहुत संभल कर इसमें एक्टिविटी करेंगे। तो साफ साफ आ गया है कि 17 से आपका डिस्प्ले, देखिए प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ मॉपअप राउंड लिस्ट फर्स्ट, तो इसी तरह आपका लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग करने के बाद आपको एडमिशन लेना होगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओनली दो शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन द राउंड नोटिफाइड अर्लियर ऑनलाइन ऑन द काउंसलिंग पोर्टल फॉर यूनिवर्सिटी आर ड्यूली वेरीफाइड आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मॉपअप राउंड विच विल बी हेल्ड ऑनलाइन मोड। मॉपअप राउंड ऑनलाइन मोड में होगा, जो पहले काउंसलिंग के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक वीडियो जो है उसको ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया दो बार तीन बार देख लीजिए। तो जिनका जिनका अभी बचा हुआ एडमिशन फटाफट ले लीजिएगा, और ये जो अभी लिस्ट आया है एडमिशन शेड्यूल फॉर अंडर स्पोर्ट्समैन में, तो स्पोर्ट्स वाले में जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, वो भी अपना जल्दी से सीट बुक कर लीजिए, नहीं तो आप नहीं लेंगे तो चांस मेमो में जो लोग हैं यानी वेटिंग लिस्ट में है उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये मौका मिल गया है एडमिशन का ये अच्छे अच्छे कोर्सेज में, तो जल्दी से फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एक्टिव इस टीवीएटी चैनल पे बने रहिएगा, जो भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।